टमाटर की कीमतों में एक बार फिर से आग लग गई है। सरकारी की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार बीते दिन लोगों को राहत मिली थी और कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकी और टमाटर के दाम फिर 200 के पार पहुंच गए हैं। क्यों टमाटर के दामों में लगी हुई है आग? टमाटर की कीमतों में एक बार फिर से आग लग गई है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार बीते दिनों लोगों को राहत मिली थी और कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकी और टमाटो प्राइस फिर 200 के पार पहुंच गया। राजधानी दिल्ली की बात करें तो बुधवार को मदर डेयरी की सफल खुदरा दुकानों पर टमाटर 259 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा गया। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम के खराब होने के कारण पिछले दो महीने से देश भर में टमाटर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। वही बीते दो दिनों में दिल्ली के आजादपुर मंडी में टमाटर की आवक में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मांग के अनुरूप सप्लाई कम होने के कारण टमाटर की थोक कीमतों में तेजी बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा असर इसकी खुदरा कीमतों पर दिखाई दे रहा है। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल सब्जी मंडी आजादपुर में टमाटर की थोक कीमतें गुणवत्ता के आधार पर 170 रुपए से लेकर 220 रुपए प्रति किलोग्राम पे बिक रही। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। देश में बीते 5 सालों के अंदर बैंकों का पैसा लूटकर कई भगोड़े देश छोड़कर भाग गए हैं, जिस पर बैंक का 8,738 करोड़ रुपए बकाया है। कोई भगोड़ा तो कोई फरार। देश को किन 50 लोगों ने लगाया चुना, कौन सबसे आगे, आइए देखते हैं। देश के बैंकों का पैसा लेकर भागे कर्जदारों की लिस्ट लंबी है। वित्त मंत्रालय की ओर से टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स का डाटा पेश किया है, जिन पर तमाम बैंकों के 87,295 करोड़ रुपए बकाया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल जैसे नाम शामिल है। बीते 5 सालों का आंकड़ा पेश करते हुए वित्त राज्य मंत्री भागवत सिंह कराड़ ने कहा कि SCB ने इस अवधि में 10,57,326 करोड़ रुपए की कुल राशि माफ भी की है। इसके साथ ही जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों में भगोड़े मेहुल चौकसी की गीतांजलि जैम सबसे बड़ी विलफुल डिफॉल्टर है, जिस पर बैंकों का 8,738 करोड़ रुपए बकाया है। डॉक्टर भागवत कराड़ ने आगे कहा कि RBI ने भारतीय बैंक संघ को सलाह भी जारी की है कि बैंकों को उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर प्रतिफूल असर डाले बिना जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों या बैंकों के साथ धोखाधड़ी वाले कर्जदारों के साथ समझौता करने पर विचार करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि विनियमित संस्थाएं धोखाधड़ी या जानबूझकर डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत खातों के संबंध में समझौता, निपटान या तकनीकी राइट ऑफ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत इस समय GDP के लिहाज से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से GDP का विकास भी तेजी से हो रहा है। क्या भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक भारत इस समय पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का सफल घरेलू उत्पादन करीब 3,750 अरब डॉलर है, लेकिन यही आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि दुनिया की पहली से लेकर चौथी अर्थव्यवस्थाओं और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, जिसका GDP है 26,854 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब 7 गुना ज्यादा। दूसरे नंबर पर है चीन, जिसे भारत अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। चीन की GDP है 19,374 अरब डॉलर, यानी भारत से करीब 5 गुना ज्यादा। तीसरे और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और भारत में इतना फर्क नहीं है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसका GDP है 4,410 अरब डॉलर, और चौथे नंबर पर है जर्मनी 4,309 अरब डॉलर की GDP के साथ। IMF के पूर्वानुमान के मुताबिक भारत अगर इसी गति से बढ़ता रहा तो 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बल्कि अमरीकी बहुराष्ट्रीय बैंक
की माने तो भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का सिलसिला जारी है और इसने फिर बेंचमार्क लेंडिंग रेट को बढ़ाया है। अब ये 5.25-5.50 फीसदी की रेंज में आ गई है। क्यों अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फिर बढ़ाए ब्याज दर? अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक में एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं और ये 22 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। बैठक में बेंचमार्क लैंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है और ये 5.25-5.50 की रेंज में आ गई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने देश में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए ये फैसला किया है। ये फेडरल रिजर्व की 12 बैठकों में से 11 बार है जब बेंचमार्क लैंडिंग रेट्स में इजाफा किया गया है। पिछले साल यानी मार्च 2022 के बाद से हुई 12 बैठकों में से 11 में यूएस फेड ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। फेडरल ओपन मार्केट कमिटी जो ब्याज दरों को तय करती है, उसने जून 2023 की बैठक में इसके संकेत दिए थे और उस समय रेट्स में इजाफा नहीं किया गया था। फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल ने 2 दिवसीय मीटिंग खत्म होने के बाद कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व तब तक ब्याज दरों में इजाफा करना जारी रखेगा जब तक अमेरिका में महंगाई दर उनके पूर्व निर्धारित 2% के लक्ष्य के अंदर नहीं आ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया है कि सरकार यूजर्स की चैट की निगरानी कर सकती है। व्हाट्सएप मैसेज को क्या पढ़ रही है सरकार? सामने आया क्या वायरल मैसेज का सच? व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार यूजर्स के चैट की निगरानी रख सकती है। इसमें दावा किया गया है कि व्हाट्सएप के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है। इस वायरल मैसेज में 3 टिक के बारे में बताया है और उसके फॉर्मूले को भी डिस्क्राइब किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया है कि 3 टिक से मैसेज को मॉनिटर किया जा रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर मैसेज वायरल होने के बाद सरकार ने इस पर सफाई पेश की है। मैसेज में बताया है कि 3 टिक का मतलब है कि सरकार आपकी चैट्स मॉनिटर कर रही है। इसमें 2 ब्लू टिक और 1 रेड टिक का मतलब है कि यूजर पर एक्शन लिया गया है। 1 ब्लू एंड 2 रेड क्लिक का मतलब है कि सरकार यूजर्स के डेटा की स्क्रीनिंग कर रही है। हालांकि इस मैसेज के दावों को फर्जी बताया गया है। मेटा ने बताया है कि उसके एक ऐप में एंड टू एंड एनक्रिप्टेड की सुविधा मिलती है। इसकी वजह से सेंडर और रिसीवर के अलावा तीसरा व्यक्ति मैसेज को रीड नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। किसी यूट्यूब वीडियो को देखते हुए एड्स का आना बहुत इरिटेट करता है। इससे बचने के लिए कई लोग एड ब्लॉक का यूज करते हैं। कंपनी यूजर्स को ऐसा करने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। इसके तहत एड ब्लॉक यूज करने पर आपको ब्लॉक किया जा सकता है। YouTube एड्स कई बार आपके पूरे व्यूइंग एक्सपीरियंस को बर्बाद कर देते हैं। शुरुआती दिनों में ये एड्स कुछ सेकंड के होते थे और उन्हें स्किप भी किया जा सकता था, मगर अब ऐसा नहीं है। ऐसे में कई यूजर्स YouTube एड्स ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब YouTube यूजर्स को एड्स ब्लॉकर यूज करने से रोकने पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक YouTube एक नई 3-स्ट्राइक पॉलिसी पर काम कर रहा है। इस पॉलिसी के तहत कंपनी ऐसे यूजर्स के लिए YouTube वीडियोस को ब्लॉक कर देगी जो लगातार 3 वीडियो को एड्स ब्लॉक ऑन करके देखेंगे। एक यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया था जिसमें उसे 3-स्ट्राइक पॉलिसी का पॉपअप दिख रहा था। यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया है जिसमें वार्निंग साफ साफ देखी जा सकती है। अगर यूजर 3 वीडियो लगातार देखेंगे तो यूट्यूब उन्हें ब्लॉक कर देगा। वही एड्स को रिमूव करने के लिए कंपनी यूट्यूब प्रीमियर सब्सक्रिप्शन पर सजेस्ट कर रहा है। इस प्लान के तहत यूजर्स को न सिर्फ यूट्यूब पर एड्स फ्री एक्सेस मिलेगा बल्कि आप यूट्यूब म्यूजिक को भी बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में बीते दो साल की अवधि में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी रैंकिंग में 67 स्थान का सुधार किया है। साल 2021 में आई लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज 155वें पायदान पर मौजूद थी और अब 88वें नंबर पर पहुंच गई है। कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आगे बढ़ाया अपना स्थान? एशिया के सबसे रईस भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में लंबी छलांग लगाई है और 16 पायदान पर चढ़कर अब 88वें नंबर पर पहुंच गए हैं। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस बीते साल 2022 में इस ग्लोबल रैंकिंग लिस्ट में 104वें पायदान पर मौजूद थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16.83 लाख करोड़ रुपए है। रिलायंस का एकीकृत राजस्व वित्त वर्ष 2022-23 में 23.2% बढ़कर रिकॉर्ड 9,76,524 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बात करें तो एशिया के सबसे अमीर इंसान होने के साथ ही दुनिया के टॉप बिलेनियर्स लिस्ट में 11वें नंबर पे है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 94.5 अरब डॉलर है। फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही 8 और भारतीय कंपनियों को स्थान दिया गया है। इनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, LIC, ONGC, SBI समेत अन्य शामिल है। हालांकि इसकी रैंकिंग में बीते साल में मुकाबले 9 स्थान की गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट।